स्टूडेंट्स सीबीसी 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फिजिक्स का आपका ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एंड इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं प्लीज सबको आप देख लेना, ठीक है? सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो इस क्वेश्चन में पूछा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स टेक्स अ करेंट ऑफ 5 एम्पेयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना है रेजिस्टेंस, 20 ओम्स का दिया हुआ है। एंड करंट इसमें से कितना जा रहा है, चलो एक एक करके इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हेयर पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 20 ओम्स। एंड करंट कितना बोला है, आई इज इक्वल टू बोला है 5 एम्पेयर। आई इज इक्वल टू बोला है 5 एम्पेयर। एंड टाइम आपको दिया हुआ है 30 सेकेंड। पूछा क्या है, पूछा वो हीट डेवलप, ठीक है, कितना हीट जनरेट हुआ है। तो हीट का फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने, वी इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पर वी आपको पता है, नहीं पता है, आई पता है एंड टी पता है। चलो वी पता नहीं है तो वी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो आई और आर दिया हुआ है ना, तो वी कैलकुलेट कर लेते हैं। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, है ना? तो आई कितना है इसमें, 5 है, एंड आर कितना है, 20। 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। तो वी भी आ गया अभी, तो हीट डेवलप निकलने में क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा। 100 × आई, आई है हमारा 5 एम्पेयर, इंटू टाइम है 30 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 × 100, 500, ठीक है, एंड इंटू 30, 500 × 30, 500 × 30 कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 1, 2, 3, तो 15,000 जूल। आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁴ जूल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि आपको पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है। एंड ऐसा करने के लिए जितना डिजिट आगे जाना पड़ेगा वो 10 का पावर हो जाएगा। जैसे यहाँ लगा रहे हैं तो इसके बाद कितना बच रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए 10⁴ पावर में लगा दे रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बचपन में ही सिखाया जाता है, क्लास 6-7 में, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको जो है हीट का दूसरा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी है। हमने दूसरा हीट का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें भी डाल देंगे तो भी आ जाएगा आंसर। ये आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, हीट इज इक्वल टू क्या है, वी इंटू आई इंटू टी होता है ना। तो वी का वैल्यू हमको पता है, आई इंटू आर है, तो वी की जगह पे हमने आई इंटू आर रख दिया, इंटू आई इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर टी। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू डाल देना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था। एंड फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, सब फॉर्मूला से पहले भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता है, देन आपको फॉर्मूला कि हाँ कॉन्सेप्ट पता चल गया क्वेश्चन का, देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में ये होता है कि ना, फॉर्मूला तो छोड़िए, पहले कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि क्या इसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो इसके लिए हर एक जो थ्योरी क्लासेस हुआ था उसको अच्छे से सब पढ़ना है, समझना है, एंड देन उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को भी, अगला क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग सॉल्व, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो।